Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Hey guys, welcome to my channel and you guys are watching The Unstoppable Amit. So basically, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो ऐसी मसल के बारे में रहेगी जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है और जो कि काफ मसल है हमारी. या तो उसको अच्छे से लोग ट्रेन नहीं करते या इग्नोर करते हैं, मतलब जो एडवांस लेवल के बंदे होते हैं उनको छोड़ के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो बेसिकली इसको ट्रेन करते ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट मसल तो है नहीं, तो ट्रेन करके क्या फ़ायदा. तो बेसिकली मैं आज ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ रेंज ऑफ मोशन बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे ट्रेन करनी है, कब ट्रेन करनी है. तो वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. तो हम बात कर रहे थे काफ मसल के बारे में कि मैंने जो आपको बताया था कि जैसे जो एडवांस लेवल के बंदे हैं उनको छोड़ के जो बिगनर्स हैं, जो इंटरमीडिएटर्स हो गए, वो ट्रेन नहीं करते अच्छे से. तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कब ट्रेन करनी है और कैसे ट्रेन करनी है, रेंज ऑफ मोशन क्या रहेगी उनकी. जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले लेग्स कर ली, लेग्स करने के बाद उनकी बॉडी में एनर्जी बची नहीं काफ मसल करने की, तो क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो ना, माइनर मसल है, छोड़ दो इसको, इसको फिट कभी ट्रेन करेंगे, और वो ट्रेन नहीं हो पाते अच्छे से. बिगिनर्स हैं उनका तो जैसे होता है कि बाकी जो चेस्ट होगी, बाइसेप्स होगी, शोल्डर हो गए, बैक होगी, लेग्स तो ट्रेन करते नहीं, तो काफ मसल तो कहाँ से ट्रेन करेंगे वो लोग. तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगा कैसे ट्रेन करनी है, कब ट्रेन करनी है. अगर आप लेग डे वाले दिन ट्रेन नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपने शोल्डर ट्रेन किए या कुछ और माइनर मसल ट्रेन करी आपने, जैसे आपकी ट्राइसेप होगी या कभी बाइसेप्स होगी, जैसे आपने लेग के साथ तो मारी ली जैसे ये काफ मसल, तो आप शोल्डर के साथ इसको ट्रेन कर सकते हो. वीक में दो बार कर सकते हो, जिनकी ज़्यादा वीक है काफ वो तीन बार कर सकते हैं, बट डाइट का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो चलिए मैं आपको तीन ऐसी मैजिकल कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा कि जिससे आपकी बॉडी हफ्ते में बन जाएगी, दस दिन में बन जाएगी. ये वही बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप डेली करते हैं, लेकिन जो रेंज ऑफ मोशन है उनकी वो क्या है, कितने सेट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये चीज़ है वो मैटर करेगी आपके लिए वीडियो में. तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए. तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो गाइस, तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी ऐसे बैठ के, और मैंने यहाँ पे डंबल का यूज़ किया है, आप चाहे तो प्लेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं. रेंज ऑफ मोशन हमारी वही रहेगी, पूरा नीचे और फिर ऊपर स्क्वीज, पूरा नीचे देन स्क्वीज, पूरा नीचे देन स्क्वीज, पूरा नीचे. इससे जो है ना, पूरा नीचे जाने से ना, जो आपकी ये वाली मसल है ना फ्रंट में, ये वाली मसल है, ये ट्रेन होगी पूरी अच्छे तरीके से. फ्रंट वाली जो ये मसल आ रही है, स्क्वीज करेगी तो पीछे वाली जैसे काफ मसल हो ही गई. तो पूरा ऊपर देन पूरा नीचे, पूरा ऊपर. इसके भी सेम वही है, 12 से 15 रेपिटेशंस और तीन सेट लगाने हैं आपको. पूरा नीचे, पूरा ऊपर, नीचे, पूरा ऊपर. सो गाइस, दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी वेट के साथ स्मिथ मशीन पे. आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे लेग प्रेस वाली मशीन पे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने स्मिथ मशीन पे लगाई है और 10-10 केजी जो है वेट लगाया है. ठीक है, वेट के साथ. तो सेफ रेंज ऑफ मोशन हमारी वही रहेगी, पूरा डाउन एंड देन अप पूरा, और फिर स्क्वीज डाउन देन अप, पूरा डाउन एंड देन अप. रेंज ऑफ मोशन का जो है कि मेन जो रोल है इसमें, डाउन अप, डाउन अप. इसका भी आपको सेम ही करना है, इसका भी आपको 12 से 15 रेपिटेशन और तीन जो है सेट लगाने हैं आपको. आप वेट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, चाहे आप 5 लें, 10 लें, जितना आप कैरी कर सकते हैं आराम से. ठीक है, तो ये हमारी रहेगी पहली एक्सरसाइज, इसमें आपको पंजे अपने कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई प्लेट्स रख के आप मार रहे हो तो फ्री वेट के साथ रहेगी ये, पंजे ऊपर, ताकि आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन बन सके नीचे की साइड से. जैसे आप, मेरा पूरा नीचे आ रहा है और आप पूरा ऊपर जा रहा है. ठीक है, धीरे 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 डाउन, पूरा डाउन और पूरा अप. अप होने के बाद भी आपको एक बार और स्क्वीज करना है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रहे. देन डाउन
पूरा पूरा नीचे तक, एंड फिर आप इसके आपको लगाने हैं 12 से 15 रेपिटेशंस और 3 आपको इसके सेट लगाने हैं, 4 जो रेंज ऑफ मोशन है ना उसका ज़्यादा मतलब रोल है इसमें कि आप कैसे ट्रेन करते हो। पूरा नीचे जाना चाहिए और पूरा ऊपर ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्शन, तभी जो आपके है ना मसल वहाँ पे होल्ड हो पाएगी और मसल बन पाएगी वहाँ पे। डाउन देन अप, पता नहीं मेरी काफ मसल अच्छी आ रही है नहीं, लाइटनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी रेंज ऑफ मोशन मैंने आपको बता ही दिया है जैसा कि कैसे करना था। सो गाइस देखा हमने कैसे तीनों एक्सरसाइज हमने बारी बारी परफॉर्म की। जो मैंने जो एक्सरसाइज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई एक्चुअली, क्योंकि मेरी लास्ट वाली थर्ड एक्सरसाइज में मेरी मसल काफ़ी सही दिख रही थी तो मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, जो थर्ड थी वो जो मैंने फर्स्ट पे लगाई है, तो आपको फर्स्ट जो थर्ड वाली वो फर्स्ट पे करनी है एक्चुअली, जो फ्री वेट से आपको स्टार्ट करना है अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको और अपडेट्स चाहिए किसी अदर मसल के रिगार्डिंग तो हमारी वीडियो अब रेगुलरली आती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे वो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डाल दूंगा। सो प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।